Subscribe and click the bell icon for television updates. ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी काफ़ी आए हैं। एक तो काफ़ी अरसे बाद कोविड के बाद ये पहली रिलीज़ है मेरी, और इस अवरोध सक्सेसफुल सीरीज़ का हिस्सा बनने का मौका मिला। जो मेरा किरदार है वो भी देखकर जो ट्रेलर में लोगों ने देखा है काफ़ी वो आई वुड से दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज़। 24 को रिलीज़ होगी, सो मेरे लिए एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना अवरोध सक्सेसफुल सीरीज़ में, हालांकि ये स्टैंड अलोन कहानी है, कुछ किरदार सेम हैं जो जिनका काम जो सीज़न 1 में देखा आपने, लेकिन सीज़न 2 में एक स्टैंड अलोन कहानी है। और मी टू प्ले पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, जो काइंड ऑफ ग्लोबल सिटीज़न है, एजुकेशन उसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है, बहुत बहुत दिलचस्प रहा ये प्ले करना। अच्छा, मैंने एक रिफॉर्म मिलिटेंट का रोल प्ले किया था फिल्म सिकंदर में, सुधीर मिश्रा ने प्रोड्यूस की थी, पीयूष झा ने डायरेक्ट, 2008। फिर एक नेटफ्लिक्स सीरीज थी लैला, उसमें भी नेगेटिव था। इसमें मुझे ज़्यादा खेलने को मिला, और इसमें बिल्कुल एज एन इंडिविजुअल अपने कंफर्ट जोन से निकल कर एज एन एक्टर एक नेगेटिव माइंड की जो 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 डार्कनेस है, और जो जो उसकी जो इमेजिनेशन है वो क्या सोचता है, और सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है कि वो अपने मकसद को जस्टिफाई कर लेता है कि ये सही है। अब अगर एक नेगेटिव माइंड सोचने लग जाए कि ये सही है, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और एहसान वज़ीरी उस किस्म का शख्स है कि उसने अपना जो मुद्दा है, जो जो भी उसने सोचा है, बहुत शिद्दत से वो कर रहा है, और बिल्कुल बिना किसी रिग्रेट के, सो वो डेंजरस हो जाता है। और वहाँ पर जनरल से नेगोशिएशंस, एक्स बैंकर है, एक्स प्रोफेसर है, तो बहुत टैक्टिकल स्ट्रेटेजिकल टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म का हिस्सा उसका जो मीडियम है वो ये नहीं है कि उसका जो तरीका है वो ये नहीं है कि खून खराबा, वो एक दीमक की तरह एक पूरे देश को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। देखिए, अभिनेता की के लिए जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतना एक्साइटिंग हो जाता है। तो फिक्शन है, आपका काम है अलग अलग का कैरेक्टर्स प्ले करना, और इस किस्म का कैरेक्टर पहले तो जिन्होंने सोचा मेरे बारे में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर जैसा कि आपने अभी कहा था कि ज़्यादा पॉजिटिव रोल्स में देखा है, तो मेरा पहला खुश तो मैं बहुत था पहले जब उन्होंने बोला कुछ हमने अलग सोचा है, खुश तो मैं बहुत था जब उन्होंने मुझे पिच किया ये रोल की, ऐसा सोचा है। समर खान साहब ने मुझे फ़ोन किया था, फिर मुलाकात हुई। मेरा दूसरा सवाल था कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये टिपिकल जैसा आपने देखा है परफॉर्मेंस वाइज रोल, कहते नहीं बिल्कुल एक अलग हमने इमेजिन किया है। और बहुत डिस्कशंस हुई डायरेक्टर के साथ, समर के साथ, और फिर जाके इसको परफॉर्म किया गया, एंड मुझे अच्छा लगा जो भी उनकी विजन थी। और एक्टर का काम है कि आपके डायरेक्टर और आपके शो रनर की विजन को आप एक फिज़िकल मैनिफेस्टेशन दें। अगर वो बोलते हैं कि भाई इस यहाँ पर आपको ये चीज़ चाहिए, ये सुर पकड़ना है, ये टोन पकड़नी है, तो वैसे ही। और राज आचार्य की एक और बात मैं कहूँगा, वो ऐसे निर्देशक हैं कि वो वीडियो से इस पर डायरेक्ट नहीं करते, वो कैमरा सामने है, 5 फुट 10 फुट की दूरी पे खड़े रहते हैं, और बड़ी बारीकी से अगर आपको सुर बढ़ाना है घटाना है, एक बहुत एनर्जी एक्सचेंज सा होता है उनके साथ, और मुझे वो अच्छा लगा। तो मैं आँख बंद करके उनके हाथ में मैंने अपना हाथ दिया, मैंने कहा आप जिस जोन में ले जाना चाहते हैं कैमरा के आगे ले जाइए। तो बहुत बहुत अरसे बाद ऐसा डायरेक्टर मिला जो बिल्कुल एक्टर के करीब रहकर उसको डायरेक्ट करता, क्योंकि ये थोड़ा माइक पे डायरेक्शन बहुत दूर के जूम कॉल जैसा इंटरव्यू हो जाता है। देखिए, कहानी एक किताब का एक चैप्टर है, वहाँ से इंस्पायर्ड है, तो राइटर्स ने, जो भी लेखक है, उन्होंने इतना बड़ा एक शो इमेजिन किया
उसको प्लॉट ड्रिवन बनाया, इन्वेस्टिगेशन डाली उसमें. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया राइटर्स ने. और डिमोनेटाइजेशन उसका एंड रिजल्ट है, लेकिन क्या क्या उसके पीछे गया जो उन्होंने लिखा है वो काफ़ी तारीफ करनी चाहिए उसकी. आप लोगों ने शो देखा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया जैसे डिटेल में उन्होंने काम किया. और जो आपका दूसरा सवाल है पर्सनली जो डिमोनेटाइजेशन का, लकीली हमारा सारा ऑनलाइन था, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह. लेकिन जो इमीडिएट स्टाफ होता है आपका, उनके उनकी जो उनका जो परिवार है, अलग अलग दूर दूर जगह पे गांव में रहते हैं वगैरह, उन लोगों को कैसे उनकी मदद की जाए, उनको कैसे बैंकिंग नेटवर्क में लाना, तो वो थोड़ा समय लगा. लेकिन आज उस चीज़ बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि अब उनको कहीं भाई को पैसा भेजना है, माँ को भेजना है तकलीफ़ के लिए, कोविड के टाइम पर हेल्थ केयर के लिए वगैरह, तो आप UPI वगैरह वगैरह वो सब ऑनलाइन आ गए, तो उसका फ़ायदा मिला. लेकिन हाँ, उस वक्त चार घंटे थे सबके पास, और फिर डिसरप्शन तो हुई, तकलीफ़ तो हुई, ATMs पे खड़ा होना, लंबी लाइंस थी, और थोड़ा रूल्स भी बदलते रहे, क्योंकि आपके एसेंशियल्स पेट्रोल को ले लीजिए, उसमें थोड़ी सहूलियत थी. लेकिन हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल्स और जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो काफ़ी दिक्कत आई काफ़ी लोगों को. तो लेकिन आई थिंक आज पूरी जनरेशन काफ़ी ऑनलाइन आ गई है, तो काफ़ी उसमें अब अपने सब्जी वाले, अपने फ्रूट वाले, फल वाले, ग्रोसरीज, किराना स्टोर्स, सारे डिजिटल हो पेमेंट के नेटवर्क में आ गए हैं. सो कहीं ना कहीं उसका आज फ़ायदा भी दिखता है. 24 तारीख को अवरोध सीज़न 2 लॉन्च हो रहा है, आप ज़रूर देखिए. बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, एस्पियनाज है, थ्रिलर्स. अगर आपको थ्रिलर्स पसंद है तो अवरोध 2 आपको पसंद आएगी. और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मेरे किरदार से जितनी आप नफ़रत करेंगे उतना ही मेरे लिए वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा. तो ज़रूर मेरे किरदार से आप नफ़रत कीजिए, जो हिंदुस्तान में लोग और वैसे भी जो अमन चाहते हैं वो इस किरदार से नफ़रत करें, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा.